अस्सलाम वालेकुम। कोवर्किंग स्पेसेस के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, और नहीं भी सुना तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कोवर्किंग स्पेस क्या होती है और यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है। मौसम आज बहुत खुशगवार है और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आज का सारा दिन भी बहुत खुशगवार और अच्छा गुजरे। तो हैव अ नाइस डे, स्टे विद अस एंड स्टे कनेक्टेड। चलिए चलते हैं ऑफिस की तरफ और आपको बताते हैं आज की वीडियो के बारे में कि कोवर्किंग स्पेस क्या जगह होती है। चलिए आज ऑफिस के लिए हम तीसरे रास्ते का इंतखाब करेंगे। घर से ऑफिस की तरफ कोई चार रास्ते जाते हैं, जिनमें सबसे खूबसूरत और पीसफुल यही वाला रूट है। आसपास आप देख सकते हैं किस कदर ग्रीनरी है और मौसम कोई पिछले 15-20-25 दिनों से इतना शानदार है कि धूप का तो नामो निशान ही नहीं होता। हवा भी इतनी अच्छी चल रही होती है और बस हम बहुत नज़दीक हैं ऑफिस से, आप अंदाज़ा लगा लें, बस अभी निकले थे और ये पहुंच भी गए। एक रास्ता यहाँ जा रहा है राइट पर, जो कि आपको डिफेंस दूसरे फेजेस की जानिब ले जाएगा, और ये जो लेफ़्ट पे रास्ता है ये हमें लेके जा रहा है जमजमा कमर्शियल की जानिब। आपने नाम सुना होगा जमजमा, बड़ा पोश एरिया है, पोश कह लें या पॉश कह लें, और यहाँ पर बड़े बड़े इस पूरे स्ट्रीट पर ब्रांड्स हैं और आप शॉपिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो आइए लगे हाथों आपको ये भी दिखाते चलते हैं, बस हम बहुत ही करीब हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जो रेड कलर का साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से आप यूँ समझ लें अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो ये जमजमा का इख्तिताम है। दो तलवार की जानिब से आएंगे तो वो स्टार्टिंग कर लें, दोनों एंड पॉइंट हैं, दरमियान में यहाँ बैंक्स हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं और शॉपिंग एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ना बड़ा मज़ा आता है कभी शॉपिंग के लिए आ जाए ना, और सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और दूसरा ये कि मार्ट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलें वही बातें करते करते ऑफिस आ गया है। तो ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। एक खूबसूरत सा रास्ता हमने आपको दिखाया, घर से निकलने तक जो है ना वो बहुत सुस्ती हो रही होती, आंखें भी ठीक से नहीं खुलती। ऑफिस आके आप मज़ेदार सी कॉफ़ी या एक कड़क सी चाय पीते हैं और उसके बाद आप फ्रेश अप हो जाते हैं, लेकिन चाय पर्सन तो मैं हूँ नहीं, इसलिए मुझे फ़्रेश अप करने के लिए ये रास्ता ही काफ़ी है। ये खूबसूरत सी ग्रीनरी जब आप देखते हैं तो फिर आप बहुत ही ताज़ा दम हो जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कोवर्किंग स्पेसेस कौन सी होती हैं और इनमें काम किस तरीके से किया जाता है। तो ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी आपकी मुलाकात करवा सकें। तो फिर स्टे विद अस अगेन। सो कोवर्किंग प्लेसेस आर दोज जहां पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं हर फ्लोर पर, कहीं कैबिन्स बने होते हैं, कहीं सेपरेटर्स लगे होते हैं, कहीं जो है वो आपको लाउंज एरिया मिला हुआ होता है, और 5 से 10 मैक्सिमम 10 और मिनिमम सिंगल सीट भी अवेलेबल होती है। अच्छा, इस तरह की जगहों की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आजकल जैसे कि ऑनलाइन ज़माना है, ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं, और आपके पास कभी कभी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें रन करने के लिए आपको 3 से 4 बंदों का स्टाफ करना। अब उस टीम को रखने के लिए आपको एक जगह भी चाहिए, प्राइम लोकेशन भी हो, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट भी मीटिंग के लिए आते हैं, आप प्राइम लोकेशन होगी तो रेंट भी बढ़ जाएगा। अब स्टाफ छोटा हो और यूटिलिटी बिल्स या आपके मंथली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हों तो उनको कट ऑफ करने के लिए ये एक तरीकाकार निकाला गया। और कराची में बेशतर जगहों पर बहुत सारी आपको ऐसी स्पेसेस मिलेंगी जहाँ आपको अनलिमिटेड वाईफाई कनेक्शन बिल्कुल बगैर किसी इंटरप्शन के मिलता है। आपको चाय, पानी, कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह जो आप चाहें वो फराहम की जाती है। आपको स्टाफ मिला हुआ होता है जो कि आपके लिए वॉशरूम्स वगैरह या आपके जो सिटिंग एरिया है उसको क्लीन करने के लिए, यानी जो अदर स्टाफ होता है, मेंटेनेंस स्टाफ कह लें, डोमेस्टिक स्टाफ कह लें, वो भी आपको मिल जाता है। तो आपने मंथली एक पैकेज होता है जो कि पे करना होता है। डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा ले रहे हैं, या तो आपने 10 लोगों की जगह ली हुई है, या ऑफिस में आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, बेसमेंट में हैं, या टॉप फ्लोर पर हैं, ये भी डिपेंड करता है। और लोकेशन क्या है, डिफेंस में हैं या आप जमजमा पे हैं या आप क्लिफ्टन में हैं, तो फिर चार्जेस भी आपके डिफरेंट होते हैं बनिस्बत और दूसरी जगहों के। जैसे कि अगर गुलशन में आप जाएंगे तो आपको 15,000 रुपये महीने पर भी स्पेस मिल जाती है पर सिंगल पर्सन, और आप जब डिफेंस के साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग है 25,000 से।
और उसमें आप डेली बेफिक्र होके आए, आपको नीट एंड क्लीन आपकी डेस्क मिलेगी, आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स मिलेंगे विद ईच एंड एवरी सप्लाई, आपको टिश्यू पेपर्स हो गए, टिश्यू रोल्स हो गए, और मॉर्निंग टी, आफ्टर लंच टी और लंच का बंदोबस्त, यानी आपके कितने सारे एक्सपेंसेस हैं जो के कट ऑफ हो जाते हैं जब आप ऑफिस बनाने जाते हैं, तो आपको हर चीज़ चाहिए होती है, फ्रॉम टेबल, चेयर्स, किचन के लिए आपको क्रॉकरी और जो अदर स्टाफ होता है, तो ये सब जब आप एक ही जगह पे कर रहे होते हैं और आपको टेंशन भी किसी काम की नहीं होती, जस्ट मंथ एंड पे आपने पे किया और रिलैक्स पूरा महीना, ना आपको बिजली की टेंशन, ना आपको एसी की फिक्र, बस आपने एक पेमेंट करनी है। और जब से ये सिस्टम हुआ है आफ्टर कोविड, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि फ्रीलांस ज़्यादा हो गया है, और फ्रीलांस में होता क्या है कि आपको, आप खुद अपने बॉस होता है, वो कोई टेंशन नहीं होती है कि कोई किसी को जवाब देना है या कोई आपसे कुछ पूछेगा, तो अब और कमाई भी इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छी इनकम मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन, और आप अपने खुद बॉस होते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, अब इसमें क्या कि बहुत सारे लोगों के घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, फिर लोड शेडिंग का इशू है, चले अल्लाह का शुक्र इस एरिया में जब आप डिफेंस या जमजमा क्रिप्टन की बात करें तो यहाँ ऐसे इशू नहीं होते, मगर और दूसरी जगहों पर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। चले लोड शेडिंग का इशू नहीं हुआ तो और दीगर चीज़ें आ जाती हैं कि घर में जब आप बैठते हैं तो फिर वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता, काम करने वाला जो है माइंड नहीं बनता। एक और चीज़ आपको ऐड करती जाऊँ, ये भी ऐड ऑन है कि ज़रूरी नहीं आप मंथली बेसिस पर इस तरह की जगहों को एक्वायर करें। अगर आपने कोई एक मीटिंग रखनी है, कोई मीटअप रखना है अपने क्लाइंट के साथ और आपके पास कोई स्पेस नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में बाज़ अवकात आपको जगह मिल जाती है, कभी कभी नहीं भी मिलती, अगर पीक आवर्स हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है और लोग भी मौजूद होंगे, वरना जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पर भी अक्सर लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह प्लान कर लेते हैं, मगर इस तरह की जगहों पर आप सिंगल डे के लिए या पर आवर बेसिस पर भी स्पेस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि इस बिल्डिंग के या इस वर्किंग स्पेस के जो मैनेजर हैं उनसे भी आपकी बात कराऊं, लेकिन हम ये फिर कभी अगली मुलाकात के लिए रखेंगे और डिटेल में उनसे बातें करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या पैकेजेस हैं फॉर अ सिंगल स्टाफ, फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय, और मैक्सिमम यहाँ वो कितने लोगों को स्पेस देते हैं, पर डे का क्या हिसाब है, आर बेसिस पे अगर आप लेते हैं यानी घंटे के हिसाब से तो वो क्या चार्जेस होंगे, ये सब हम आपके साथ फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये आज मैंने सोचा था कि ये आपसे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, एक नई चीज़ है और जिनको नहीं पता उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हो सकता है इन फ्यूचर आप भी कोई ऐसा काम करें जिसके लिए आपको कोवर्किंग स्पेस की ज़रूरत पड़े तो आपके पास नॉलेज पहले से मौजूद होगी। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और जगह, कोई और इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि लंच ब्रेक ओवर हो चुका है। अब मैं जाके अपने काम को कंटिन्यू करूँगी, फिर मिलूँगी अगली किसी जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।